यार सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर। 2018 सुपर हीरो मूवीज के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। मैंने और आप सब ने बहुत सारे सुपर हीरो मूवीज देखे एंड आज मैं आपके साथ यही शेयर करूंगा कि मुझे कौन सी मूवीज कितनी अच्छी लगी, साथ ही मैं अपना पर्सनल रैंकिंग भी दूंगा। सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि रैंक में पीछे रहने का मतलब ये नहीं है कि मूवी खराब है। लिस्ट के सारे मूवीज बहुत ही अच्छे हैं एंड अगर आपने इस लिस्ट में से एक मूवी भी नहीं देखी तो 2019 में जरूर देख लेना। सबसे पहले नंबर 8 पे है वेनम। स्पाइडरमैन के बिना उसके विलन पर मूवी बनाने की हिम्मत फाइनली सोनी ने की एंड ये मूवी काफी सक्सेसफुल भी रही। अगर आपने मेरा रिव्यू देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये मूवी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई थी, जिसका रीजन ये था कि मूवी की स्टोरी लाइन बहुत ज्यादा कमजोर थी। लेकिन फिर भी अगर आप एक सुपर हीरो फैन हो तो आपको ये मूवी जरूर देखना चाहिए। नेक्स्ट 7th रैंक पे मेरे हिसाब से इनक्रेडिबल्स 2 है। 2004 में इनक्रेडिबल्स का सीक्वल। फैंस को एंड पर्सनली मुझे ये मूवी बहुत ज्यादा पसंद आया। आखिर एक सुपर हीरो फैमिली को कौन नहीं देखना चाहता। मूवी में पर्सनली मुझे जैक जैक का कैरेक्टर बहुत ज्यादा इंटरटेनिंग लगा एंड मूवी की स्टोरी भी बहुत सही थी। बट हाँ, इनक्रेडिबल्स 1 से ये मूवी थोड़ा वीक जरूर थी, लेकिन मूवी के स्टार्टिंग से एंडिंग तक आप इसे एंजॉय करते हैं। अगली मूवी जो मेरी रैंकिंग में नंबर 6 पे है वो है एंटमैन एंड द वास्प। मूवी की स्टोरी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई थी, लेकिन जो इसे इंटरेस्टिंग बनाती है वो है मूवी में क्वांटम रियल्म को एक्सप्लेन करना। एंड एमसीयू के फ्यूचर के लिए क्वांटम रियल्म कितना इम्पोर्टेंट है ये तो हम सबको पता है। साथ ही सारे एक्टर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया है, खास के पॉल रड ने। बट वहीं अगर इस मूवी को एमसीयू से अलग करके देखें तो एक इंडिविजुअल मूवी की तरह ये हमें उतना इम्प्रेस नहीं कर पाती। नंबर 5 पे है डेडपूल 2। 2016 में आई डेडपूल का सीक्वल, जहां हमें फिर से मिला रायन रेनॉल्ड्स का एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। ये मूवी काफी हिट भी रही एंड पर्सनली मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आई। इस साल ये मूवी इतनी चली है कि इसके PG-13 वर्जन को भी दिसंबर में रिलीज किया गया। मूवी उन्हें खासकर और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी जिन्होंने पोस्ट क्रेडिट सीन देखा होगा, जिससे कि ये मूवी नेक्स्ट लेवल पे फनी हो जाती है। अगला सुपर हीरो मूवी है एक्वामैन, जो कि मेरी रैंकिंग में नंबर 4 पे है। पहली बार DC ने हमें ये दिखाया कि शायद फ्यूचर में सुपर हीरो मूवी के किंग वो होने वाले हैं। मूवी में हमें एडवेंचर से लेकर कुछ कमाल के एक्शन सीन्स देखने को मिले एंड ऊपर से मूवी का VFX तो नेक्स्ट लेवल का था ही। हाँ, स्टोरी लाइन थोड़ी कमजोर जरूर थी, लेकिन बाकी कुछ इतना अच्छा था कि मेरा ध्यान उन छोटे चीजों पे गया ही नहीं। एंड ये मूवी तो आपको जरूर देखनी चाहिए। अब आते हैं इस साल के टॉप 3 पे। नंबर 3 पे है ब्लैक पैंथर, एक ऐसी मूवी जिसमें ना ही सिर्फ स्ट्रांग हीरो थे बल्कि स्ट्रांग विलन भी। और आप सबको पता ही होगा कि जिस मूवी में विलन की स्टोरी अच्छी होती है वो मूवी मुझे कितना पसंद है। मूवी में हमें वकांडा जैसे हिडन कंट्री को दिखाया गया, जो कि जितना ट्रेडिशनल था उतना ही टेक्निकली एडवांस भी। एंड पर्सनली मुझे मूवी में माइकल बी जॉर्डन और एंडी सर्किस का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा पसंद आया। इसी के बाद नंबर 2 पे है स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स। अगर आपने मेरा रिव्यू देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये मूवी मुझे कितना ज्यादा पसंद आई थी। मूवी में एक यूनिक एनिमेशन का स्टाइल यूज किया गया था, जो कि अभी तक हमें किसी दूसरे एनिमेटेड मूवी में देखने को नहीं मिला है। बट कई लोगों ने ये मूवी देखी ही नहीं, क्योंकि साथ में ही एक्वामैन को रिलीज किया गया था एंड जिन्होंने नहीं देखा वो नहीं जानते कि उन्होंने क्या मिस कर दिया है। एंड नंबर 1 पे, जो कि मुझे लगता है कि सबने गेस कर लिया होगा, वो है अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, इस साल की बेस्ट सुपर हीरो मूवी। एक सुपर हीरो फैन के लिए इस मूवी में सब कुछ था एंड इस मूवी का एंडिंग जहां सारे फैंस सदमे में चले गए। इन्फिनिटी वॉर ने सुपर हीरो जॉनरा को उस लेवल पे पहुंचा दिया है कि शायद ही कोई और स्टूडियो ऐसी मूवी बना पाए। खैर, अब इंतजार है अवेंजर्स एंड गेम का। तो ये थी मेरी लिस्ट। अब ऐसा नहीं है कि आपकी भी रैंकिंग सेम हो, इसलिए आप अपनी रैंकिंग भी हमारे साथ शेयर जरूर करना। साथ ही ऐसी और कंटेंट के लिए वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स के रिव्यू के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड इनक्रेडिबल्स 2 के रिव्यू के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।